कब से? नमस्कार, आज हम बिजली कार्यालय में हैं जहां पे मानव बल के द्वारा बैठक किया गया और कई योजनाएं हैं। सबसे पहले जानेंगे शुभ नाम सर आपका। मेरा शुभ नाम सचिन कुमार कुशवाहा। सर, आज इस बैठक किया जा रहा है आपके मानव बल के द्वारा, किस लिए किया जा रहा है? हम लोग का जो 3 सूत्रीय मांग रखा गया है और दोहन शोषण किया जाता है पूरे मानव बल को, इसलिए 4 तारीख को हड़ताल पे हम लोग जाने का विचार बनाए हैं। हमारे संगठन के द्वारा विचार बनी है कि 4 तारीख से हड़ताल पे हम लोग को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना है। इसी क्रम में हम लोग पीएसएस टू पीएसएस, डिवीजन टू डिवीजन घूम घूम के एकजुटता दिखा रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग से एक बैठक कर रहे हैं। कौन सा पोस्ट हुआ सर संगठन का? प्रगतिशील विद्युत कार्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिहार। शुभ नाम? राजीव मौर्य हुआ। आप बताइए। 4/10/2018 से हम लोग स्ट्राइक का नोटिस दिए हुए हैं और उस स्ट्राइक में माने जो हम लोग का मांग है, 3 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मांग है कि मानव बल 5 साल से लेकर के, और इसमें कुछ लोग 1 साल के भी हैं, कुछ लोग 2 महीना के भी हैं, इस तरह पूरे बिहार के इन लोग लाइन चला रहे हैं। लेकिन अकस्मात ही बहाली निकाल दिया है कंपनी 17 तारीख को, और इसी बहाली को रद्द करवाने हेतु हम लोग स्ट्राइक नोटिस 19/9/2018 को दे चुके हैं और 4/10/2018 को सुबह 6 बजे से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं। हम लोग के प्रति देखिए, हम लोग को कितना भी मानव भाई हैं जिनका स्टैंड हो जाता है, उसका ना एजेंसी देखने वाला है ना यह सरकार कहता है एजेंसी का आदमी है। सरकार कहता है कि जे एजेंसी कहता है कि तू सरकार का आदमी है, उसका कोई रोक थोक नहीं है। प्लस में 8/18 वैकेंसी निकाल दिया है, इसका मतलब है तो हम लोग को दम छाटे का उपाय ना कर दिया है कि धीरे धीरे इन लोगों को भगा पाओ यहाँ से, अपना कर्मचारी भेजेगा हम लोग को भगा देगा। तो हम लोग 4 तारीख से सुबह 6 बजे से पूरा मानव बल भाई हिलसा कराय चिकसौरा 3 PSS का स्ट्राइक पर जाएंगे। अंजनी कुमार हिलसा PSS पावर हाउस, यहाँ का मानव बल कार्य SBO। हम लोग 5 साल से दोहन शोषण का शिकार है और हम लोग को न PF न ESI न पेमेंट बढ़ता है, न हम लोग भुखमरी का कगार है। कभी पेमेंट मिलता है 2 महीना पर, कभी 1 महीना पर। प्लस उसमें है कि न PF मिलता है न ESI मिलता है, पेमेंट भी इतना कम कि उससे हम लोग का न परिवार चलता है, ना मेरा पॉकेट खर्चा चलता है। और जो वैकेंसी निकाली है उसके प्रति हम लोग को बहुत डर पैदा हो गया है कि अगला वैकेंसी निकाल करके हम लोग को बाहर करेगा तो हम लोग कहाँ करेंगे। 5 साल हम लोग का जो एक्सपीरियंस है उसको दोहन किया जा रहा है और अगला मांग है कि हम लोग को ना सुरक्षा है, न PSS में हेल्पर है, ये सब कुछ कुछ व्यवस्था नहीं, मतलब कि हम लोग को चूसा जा रहा है कैसे हो काम करो। और JSDO जैसे मान उसे अपना हम लोग प्रताड़ित करते हैं। और मैं पप्पू कुमार SBO रूरल से चिकसौरा में SBO के पद पर पदस्थापित हूँ, जो कि मैं 4 सालों से वहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ पावर हाउस का। हम लोग को न कोई सुरक्षा मिलता है, ना ही पेमेंट समय पर मिलता है, कभी 3 महीने पर मिलता है, कभी वो भी गाज पर्व त्यौहार आता है, हम लोग पेमेंट के लिए सोचते हैं कि मिले कि त्यौहार हम लोग खुशी से मनाएं, लेकिन वो भी समय पर नहीं मिल पाता है। और हम लोग को 26 दिन का ही पेमेंट मिलता है, जबकि 30 दिन हम लोग को 30 दिन 24 घंटा काम लिया जाता है। इतना ही नहीं, हम लोग के प्रति वैकेंसी निकाल दिया है कि सब मानव बल को बारी बारी से निकाल दिया जाए। इसी के विरोध में हम लोग 4/10/2018 को सुबह 6 बजे से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इसका लिखित सूचना JE एवं AE को एवं थानाध्यक्ष को हम लोग कल दे देंगे।